फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के गोल रेसिपीज। आज हम सीखेंगे पेठा बनाना। अक्सर मुझसे पेठा अच्छे नहीं बनते थे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। फिर मैंने फाइनली मेरी मॉम से पेठा बनाना सीखा और आज उन्हीं की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए हम बनाते हैं पेठा। पेठे बनाने के लिए जो सामग्री लगेगी वो इस प्रकार है: 300 ग्राम मैदा, 500 ग्राम घी, 200 ग्राम शक्कर, 2 चुटकी भर नमक, पानी आवश्यकता अनुसार। पेठा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे, 2 चुटकी नमक डालेंगे, 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और मिक्स करेंगे। लगभग मुट्ठी भर मोयन डालना होता है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदा लगाएंगे। देखिए, मैदा इस तरह से कड़क ही लगाना है। अब एक बाउल में हल्का सा घी लगाकर लगी हुई मैदा को 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसके 2 बड़े लोए इस तरह से बना लेंगे। अब चकले पर रखकर बेलेंगे। इसको थिक ही बेलना है। देखिए, हमें इसको इतना मोटा रखना है। अब इसको इस तरह वर्टिकली 1/4 इंच डिस्टेंस पे कट करेंगे। अब हॉरिजॉन्टली लगभग 1 इंच डिस्टेंस पे कट करेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये अब सभी पेठे कट करके तैयार हैं। देखिए आप, इसकी थिकनेस हमें क्या रखनी है वो क्लियर देख सकते हैं। इसके बाद घी गरम करेंगे। अच्छी तरह घी गरम होने के बाद फ्लेम लो कर देंगे। पेठा तलने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। अब इसके बाद पूरी सिकाई लो फ्लेम में ही करना होगी, क्योंकि पेठे की थिकनेस ज़्यादा है। अगर लो फ्लेम नहीं रखी तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसे सिकने में लगभग 8 से 10 मिनट लगेंगे। ये सिक रहे हैं तब तक हम दूसरी कढ़ाई में चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए हम शक्कर डालेंगे। अब इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे। फ्लेम हाई पर रखेंगे। अब जब तक शक्कर मेल्ट हो रही है, एक बार हम पेठे को पलट लेते हैं। देखिए, इनकी सिकाई में अभी भी देर है। इधर हमारी चाशनी की शक्कर पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसे 3-4 मिनट तक और बॉईल करेंगे। अब एक खाली प्लेट में चाशनी का एक ड्रॉप डालेंगे। अब इस तरह से उंगलियों के बीच में प्रेस करके चेक करेंगे। देखिए, काफी मोटा तार आप देख सकते हैं। लगभग गोली बन चाशनी तैयार है। गैस को अब बंद कर देंगे। इधर अब हमारे पेठे भी ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें अब हम एक प्लेट में निकालेंगे और तुरंत ही गर्म चाशनी में डालेंगे और अच्छी तरह से चाशनी को उनके चारों तरफ इस तरह से हिलाते हुए लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं, चाशनी हाथों हाथ ही सूख कर शक्कर की तरह इसके ऊपर दिखने लगी है। अब ये हमारे क्रिस्पी पेठा सर्व करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।